प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका, जिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है बॉन्डिंग या बॉन्ड्स। सो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कंपेयर टू दी कोवलेंट बॉन्ड्स। जो आयनिक का जो बॉन्ड होता है, अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ देम मैक्सिममली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स। आया आपको समझ में? अगर आपको पूछे यहाँ पर कि वाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स, और ये बोला जाए कि वाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज ऑल्सो द सेम रीजन, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, तभी तो कैप्चर करके रखेंगे ना मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को। इन प्लेस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं कंपैरेटिवली। साइंस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अदरवाइज दो चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं एक्सेप्शनली विच में बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द आयनिक कंपाउंड, ऐसा हो सकता है एक्सेप्शन के केस में, लेकिन जनरली यहाँ पर सारे ये जो होते हैं ये वीक होते हैं, वीक कंपाउंड्स, वीक फोर्सेस जो हैं इसके अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो दो तरह के फोर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं वेंडर वॉल्स फोर्सेस। सो वेंडर वॉल्स फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है कोहेसिव और एक होता है अडहेसिव। अब आपको इसमें ये वैसे 9th स्टैंडर्ड का है, थोड़ा सा समझना है इसमें। अडहेसिव कभी सुना है ये शब्द? कहाँ पर पढ़ते हैं अडहेसिव? कहाँ? यस, किसी भी गम में अडहेसिव ही बोलते हैं उसे। और अडहेसिव क्या करता है? दो डिफरेंट पेजेस को या फिर दो डिफरेंट सर्फेसिस को जोड़ने का काम करता है अडहेसिव। कहीं पे भी हो सकता है अडहेसिव, बहुत तरीके से यूज होता है। जैसे हम कभी घर में छत का, रूफ का, अगर किसी में थोड़ा सा नीचे डैम्पनेस आती है या थोड़ा सा नमी आती है तो वहाँ पर हम छत का भी कराते हैं एक, तो उसमें भी वाटर प्रूफिंग लगाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एडहेसिव। फेविकॉल इज ऑल्सो एडहेसिव। और ऐसे एडहेसिव बहुत तरह के होते हैं। तो एडहेसिव करता क्या है आपका? ये एग्जिस्ट करता है वो फोर्स जो दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, दो डिफरेंट सरफेस के बीच में। जैसे कि ग्लास है तो आपको पता है वाटर, वाटर का पार्टिकल और ग्लास का, ये दो डिफरेंट सरफेस है। और आपको पता है वाटर जो जब आता है तो चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, वाटर स्टिक करता है ग्लास। तो वाटर जब स्टिक कर रहा है तो यानी कि जो कोहेसिव फोर्स, सॉरी नॉट कोहेसिव, एडहेसिव फोर्स है जो यहाँ पर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज मोर हायर, तभी तो चिपक रहा है। लेकिन इसे ऑन द अदर हैंड यही वजह है इसको यूज़ नहीं करते कि इसमें थर्मामीटर में, हम थर्मामीटर में यूज़ क्या होता है? मर्करी यूज़ होता है। तो मर्करी में क्या होता है? तो मर्करी नहीं चिपकता। वन ऑफ द मेजर रीजन इज मर्करी स्टिक नहीं करता है ग्लास में। तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है? दैट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव क्या होता है? बिटवीन सेम पार्टिकल्स, एंड दिस इज बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। और ये दोनों ही क्या है वैसे, कंपेयर्ड टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए कंपाउंड लाइक NaCl विच इज ए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पर क्या है इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन दी वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसमें ये दो फोर्स आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलेंगे एंड गैस में भी मिलेंगे, ऑल थ्री। आया समझ में आपको? ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया।